बता दिया अपना मोबाइल, सोना चांदी बहुत सुरक्षित रखना। एक और निवेदन, हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क और आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। किसी को भी हमारे नाम से दान मत देना। दरबार निःशुल्क था, है और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। जिनके काम सफल नहीं हो रहे हैं, नारियल बागेश्वर धाम पर बांध दें अर्जी का। एक चौपाई सुन लीजिए, किष्कंधा कांड की चौपाई है, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जाप करना है और 5 बार आहुति, आहुति यानी हवन, हवन यानी होम, इसी चौपाई का प्रतिदिन देना। 2 महीने में 5 महीने में बागेश्वर धाम जाना प्रारंभ कर देना। घर पर भूत बाधा हो तो इसी चौपाई को पढ़कर और हवन देना और उस भस्म को प्रेत बाधा वाले रोगी को लगा देना, बाद में धाम पर पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, आज के बाद कोई काम असफल नहीं होएगा। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। ये जो रोगी बैठा है इनको वहीं खड़ा कर दीजिए, हम यहीं से बता देते हैं। साथ में कौन है? आप पेशी प्रारंभ करवा दीजिए। इन्फेक्शन बना है, लीवर में दिक्कत है, लीवर इनका खराब है और पेट में सूजन आ जाती है, पानी बन जाता है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट कहा है, हाँ या ना? एकदम सही है, बराबर। जाओ, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है तुम नजदीक आओ, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हो, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, आप किसी भी जगह रहना। एक बात और, आप हमसे अपने मन की बात जानने के लिए मत आना, जिंदगी भर के लिए अगर बालाजी का हो जाना हो तभी आना। कौन कौन होना चाहता जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का, जाओ तुम्हारे घर पे बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। सीताराम सीताराम, अब झाड़ा लगवाने के लिए आप मुट्ठी बांध के खड़े हो जाइए। आपको भभूति हम पहुंचा देते हैं, यहां नहीं लाना है, वहीं रहने दीजिए। बहन जी, भभूति अभी पहुंच जाएगी, उस भभूति का प्रयोग करें। अच्छा, ये बच्ची है जो किसके साथ में है, कहां से आए हैं? इसको भी इन्फेक्शन है, सुन्नपन है, चल नहीं पाती है, कमर के नीचे दिक्कत बनी हुई है, डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में समस्या बताई है। बोलो हाँ या ना? क्या कॉर्डलेस माइक है? है, उनके पास पहुंचा दीजिए। और ऐसा नहीं, आप देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा पर्चा बनने के बाद बताया जाता, लेकिन ये वो दरबार है जिसमें बहुत खतरनाक वाईफाई है। हाँ, हमारे वाईफाई के सिग्नल बहुत खतरनाक है। लीजिए माइक, चालू करिए कॉर्डलेस बेटा। अब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो, माइक लीजिए आप। हेलो भैया, कुछ? हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं जी। हरियाणा से? हरियाणा से आए हैं। कब आए थे? रात को आए थे। रात को? पहली बार आए हो? मैं पहले आ गया था, इनको पहली बार लेके आया हूँ। अच्छा, इनको पहले से किसी को समस्या आपने बताई है? नहीं, किसी ने पूछी है आपसे? इनको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है, सुन्नपन है, कमर के नीचे सुन्नपन है, नस का नाम L3, L5, S1, तीनों में दिक्कत बनी है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया है। जी गुरुजी। हाँ जी या ना जी? जी गुरुजी। यही समस्या है? डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। सुन्नपन तो है, नस की दिक्कत तो बताई पैक में। जी गुरुजी। ये तो बताई है, उठ बैठ नहीं पा रही बिल्कुल। वही तो सुन्नपन ना कहा, उठ लो बैठ बो ना, मुठी बंधवाओ दोनों को हाथों के। ओम, बेटी बोलो सीताराम, सीताराम बोलो बेटी, बहन सीताराम, सीताराम। हे धनरहुआ सरकार बागेश्वर बालाजी, लाज रख दो,
अब दोनों हाथ ऐसे मलो बहन, मलो, लगाओ शरीर में। पैर की अंगूठा तक लगाओ। अब जगह जरा वहां से जगह छोड़ना, आप लोग थोड़ा सा जगह छोड़ना वहां पर। चलाओ इनको दादाजी, तुम हाथ छोड़ो, एक जने मर पकड़े रहो, थोड़ा सा सहारा दो पहले। चलाओ, चलो बहन, फट। और दर्द को कम कर दिया जाए, घुटनों पर शक्ति का प्रयोग किया जाए। बेटा तुम इनके घुटनों में जरा मालिश करो एक बार, सीताराम बोलकर। इनका अर्जी का कार्ड धाम पर बनेगा, पेशी करनी पड़ेगी, पूरा नियम करना पड़ेगा। और आज 40% आराम दे देते हैं, शेष नियम करेंगे तो बालाजी आराम पूर्ण दे देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। हम पे ना मत रखना, इंसान हमेशा धोखा देता है, हम इंसान हैं, हम पर भरोसा मत रखना। रखना ये तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब प्रेत बाधा वाले रोगी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। ओम। जितने भी प्रेत बाधा के रोगी हैं सबको माल लगाई जाए। एक और निवेदन है, कथा में दरबार में सोना चांदी पहनकर मत आइयो। माल लगाई जाए प्रेत बाधा के रोगियों को। फट। और तो चमीचा मारे जाए, पूरे शरीर में चमीचा मारे जाए। जितना परेशान इन प्रेत रोगिणियों किया, रोगियों ने किया है, उतना मार मार के ने किया जाए प्रेत बाधा वालों को। पीछे वालों को चमीचा मारा जाए। राम 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 राम। बोलो सन्यासी बाबा की। कथा में कौन कौन पधार रहा है, कथा में हाथ उठाओ। कितने बजे आना है? 1 बजे। हम अशोक जी से कहेंगे, मुख्य यजमान जी से, जहां भी हो अगर सुन रहे हो, सामने हमारे परिवार को, बागेश्वर धाम के पूरे परिवार जनों को बैठने में बड़ी दिक्कत है, प्लेन वाला टेंट लगवा दिया जाए सामने और पीछे में, एकदम सामने प्लेन वाला लगवा दिया जाए। नया लगवाए, लगवा दिया जाए सामने, प्लेन वाला टेंट लगवा दीजिए, क्योंकि बहुत असर। और ये वाला इस तरफ से, ये पर्दा सब ऊंचे करवा दिए जाए। दोनों में LED लगी है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। प्रेत बाधा वालों को और पिटाई लगाई जाए, उठा पटक की जाए। राम। कल की सूचना दे दें हम आपको, कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। कल भी 9:30 के पूर्व प्रारंभ हो जाएगा और प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो सब, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, धनरुआ सरकार की, पूज्य पा